YouTube channel. It's me Alvira and guys, so today's video is really going to be very very helpful and like you know miraculous video for all those people who are suffering from rough, frizzy and split ends in hair. So guys, today we are going to deal with like split ends, how to get rid of split ends. सो आजकल तो सभी को पता है स्प्लिट एंड्स क्या होते हैं, लाइक सभी के प्रॉब्लम हो रही है स्प्लिट एंड्स की, तो खास करके इस मौसम में तो कॉमन ही है होना. और लाइक ऐसी हमारी एनवायरनमेंट है कि स्प्लिट एंड्स होना लाइक अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सो गाइज, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ स्प्लिट एंड्स विद लाइक वेरी ईजी बिजी टिप्स एंड रेमिडीज एज यूजल. सो गाइस, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो दिखते तो नहीं है, मतलब दिखते हैं कॉमनली नीचे से आपके बाल रफ होने लग जाते हैं लेंथ से. सो वैसे ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं स्प्लिट एंड्स, बट उनकी वजह से आपके बाल रफ जरूर से हो जाते हैं. बाल यू नो बेजान से हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं एंड आपके बालों की जो ग्रोथ है उस पर भी बहुत यू नो बैड इफेक्ट होता है. सो ये आप मान सकते हो कि बहुत लाइक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है स्प्लिट एंड्स होना. सो वैसे तो इसका जो आप सॉल्यूशन बोल सकते हो ट्रिमिंग ही है, बट लाइक इस ऐसे सिचुएशन में पार्लर वगैरह जा नहीं सकते हैं एंड ट्रिमिंग भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स लाइक अ टेम्परेरी सॉल्यूशन. सो आज की वीडियो में आपको जो मैं रेमेडीज बताऊंगी, अगर आप वो ट्राई करते हो, आप टिप्स को फॉलो करते हो, सो आपके जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ख़त्म होने वाली है. सो गाइज, जब तक आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम आपके हो क्यों रही है तो आप उसको क्योर भी नहीं कर सकते, एज लाइक मैं आपको हमेशा बोलती हूँ. सो गाइज, स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है वो मेनली आपके बालों में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, ठीक है. सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी जो रेमेडीज़ है वो प्रोटीन में एकदम से रिच होने वाली है, जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी. सो प्रोटीन की कमी, बालों में प्रोटीन की कमी की वजह से आपके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक पल्यूशन, धूल मिट्टी पल्यूशन एंड लाइक एक्सेसिव सनलाइट भी हो सकता है. ज़्यादा सनलाइट एंड पल्यूशन एंड दीज आर द रीज़न वाई यू आर हैविंग स्प्लिट एंड्स. So the first step is to detangle your hair, which is like compulsory before applying any kind of remedies and all. जैसे कि आप बाद में जब बाल वॉश करो तो आपके बालों में लाइक टेंगल्स ना हो और आपके बालों में हेयरफॉल ना हो. सबसे पहले आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है. देन द सेकेंड स्टेप इज़ टू अप्लाई हेयर रिपेयरिंग मिस्ट. सो लाइक ये आपके बालों को ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके बालों को लाइक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो कि आपके स्प्लिट एंड्स होने से नहीं हो पाता है आपके बालों में. सो लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको सबसे पहले 3 onion लेने हैं ऑफ मीडियम साइज़. अच्छे से आपको इन्हें चॉप करना है, या फिर क्रश भी कर सकते हो, या फिर आप मिक्सर में भी लाइक कर सकते हो, एज यू विश. देन आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. एंड आगे आपको पता ही क्या करना है, इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है हमें. एंड देन इसके बाद में आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल, देन 1 tablespoon ऑफ आमंड ऑयल. एंड नाउ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें. सो गाइज, जो अनियन जूस होता है वो आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है. आपको अच्छे से स्टिर करना है, लाइक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मर्ज हो जाने चाहिए एक दूसरे के अंदर. नाउ आपको आपके जो स्प्लिट एंड्स है वहाँ पर ही अप्लाई करना है. एज लाइक मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपने रूट्स में और लेंथ में दोनों में अप्लाई करो, लेकिन जो हमारा ये वाली जो रेमेडी आपको सिर्फ अपनी लेंथ में अप्लाई करनी है, आपकी स्कैल्प के लिए हार्मफुल हो सकती है. देन आपको बन बना लेना है और इसको आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है लगा के. देन दी थर्ड स्टेप इज़ टू अप्लाई रिच प्रोटीन हेयर मास्क. लाइक बहुत 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 ज़्यादा औसम वाला हेयर मास्क है. आपको लेना है एक बोल एंड इसके अंदर आपको ऐड करना है एग. सो ये आपको इसके दोनों पार्ट्स ऐड करने हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट वाइट वाला और येलो वाला दोनों पार्ट ऐड करने. अगर आप चाहो तो आप सिर्फ येलो वाला भी यूज़ कर सकते हो. इसके बाद में आपको ऐड करना है 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल. इसकी जगह आप विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं हो अवेलेबल ऑलिव ऑयल तो. देन इसके बाद में हम ऐड करेंगे आमंड ऑयल लगभग 1 tablespoon. इसके बाद में लास्टली हम ऐड करेंगे हनी, 1 tablespoon ऑफ हनी.
एंड देन अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को। सो गाइज, अगर आपको लाइक डांट नहीं खानी है अपनी मम्मी से तो पक्का से इसे बाथरूम में अप्लाई कीजिए, क्योंकि लाइक डिस्क्लेमर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैसी होने वाला है और लाइक स्मेल भी एग की बहुत ही ख़तरनाक होती है। सो इस हेयर मास्क को देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव हेयर मास्क भी बताऊँगी इसके अलावा। नाउ मेकअप बन एंड आपको इसे 30-45 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देन आफ्टर 30-45 मिनट्स जब ये सूख जाए, अच्छे से आपके बालों में पेनिट्रेट कर जाए, इसके बाद में आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन वाटर से ही वॉश करना है। लाइक प्लेन वाटर से आपको अच्छे से इसे रिमूव कर देना है। अगर आप पहले ही शैम्पू अप्लाई कर लोगे तो ना तो स्मेल निकलेगी और ना ये खुद अच्छे से लाइक इसके रेसिड्यू आपके बालों में रह जाएंगे। एंड इसके बाद में आपको वाटर प्लस शैम्पू को डाइल्यूट करके अप्लाई करना है। और शैम्पू आपको लाइक मैं नहीं कहूँगी कि आपको सोम में ऐसा शैम्पू यूज़ करो, क्योंकि इसकी स्मेल नहीं जाएगी आपके बालों से, तो भर भर के सल्फेट वाला शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। देन अच्छे से आपको इन दोनों को डाइल्यूट कर लेना है, और आप वाटर को शैम्पू में डाइल्यूट करके अप्लाई करोगे तो सीधे केमिकल्स आपके बालों में नहीं लगेंगे, तो आपके बालों को जो मतलब हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है उनसे आपके बालों को कम खतरा होगा। सो आपको अच्छे से अपने बालों को मतलब मसाज करनी है अच्छे से अपने बालों में, ताकि अच्छे से ये रिमूव हो जाए। तो थोड़ी देर आपको इसको अच्छे से बालों में मसाज करके और थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। नाउ आपको वॉश कर लेना है अपने बालों को अच्छे से। लाइक आप ल्यूकवॉर्म वाटर भी ले सकते हो अगर आपको मतलब स्मेल से या कोई भी प्रॉब्लम है, सो आप ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश करोगे तो एकदम अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद में मैंने लाइक कोई भी हेयर सीरम वगैरह नहीं यूज़ किया है। लाइक बाल थोड़े से सूख जाने के बाद में मैं डिटेंगल कर रही हूँ बालों को, एंड आपके डिटेंगल भी लाइक बाल बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही वॉश करने से पहले ही एक बार डिटेंगल कर लिया था बालों को, सो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके ज़्यादा टेंगल्स हो जाएंगे। नाउ मैंने डिटेंगल कर लिया है एंड बाल काफ़ी मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा रफ, मतलब पहले अब आपने बाल देखे होंगे कैसे थे, एंड अब आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड लाइक सॉफ्ट एंड सिल्की टाइप्स ऑफ हो गए हैं बाल। एक बार में तो आपको वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर फिर भी बहुत अच्छे हो गए पहले से एज़ कम्पेयर टू लाइक बिफोर अप्लाइंग। एंड ये है अल्टरनेटिव प्रोटीन हेयर मास्क। लाइक अगर आपको एग से कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको उसकी स्मेल से प्रॉब्लम है या आप एग वाला नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो देन आपको लेना है ब्लैक ग्राम हाफ कप, और मैंने लाइक ये पील ऑफ्ड है, अगर आप लाइक छिलके वाली लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। देन इसके बाद में अगला इंग्रेडिएंट है फेन्यूग्रीक। सो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ फेन्यूग्रीक ली है, ये तो आपको पता ही कितना अच्छा रहता है हमारे बालों के लिए। ना आपको मोटर एंड पेस्टल में अच्छे से एक बार इसको कुछ टाइम के लिए लाइक क्रश कर लेना है, ताकि आप मिक्सर में जब इसको डालो तो आपकी लाइक मिक्सर ख़राब ना हो, सो आप ऐसा कर सकते हो। ना आपको एकदम से लाइक दरदरा काइंड ऑफ इसका पाउडर बना लेना है। ना आप देख सकते हो हमारा दोनों का लाइक फ्लोर रेडी है। इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड, लगभग आपको हाफ कप कर्ड ऐड करना है और लाइक मिक्स करना है अच्छे से। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, वैसे आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक काइंड ऑफ रखनी है, एंड अच्छे से मिक्स करना है आपको इसे कुछ टाइम के लिए, ताकि जो लम्स वगैरह वो अच्छे से लाइक मिक्स हो जाए एंड आप जब बाल वॉश करो तो कोई भी रेसिड्यू नहीं रहे। सो आप और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी चाहिए तो कर्ड और भी ऐड कर सकते हो। सो आप देख सकते कुछ ऐसा बनेगा, एंड मैं अपनी मम्मा के हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, आपने जैसे देखा मैंने एग प्रोटीन वाला अप्लाई कर लिया था, तो ये इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आप इसे चाहो तो लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्प्लिट एंड से डील कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की जो कि आपको फॉलो करनी है अपने स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को कभी भी नहीं होने देनी। गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि आप जितनी बार भी मतलब ट्रिमिंग करो तो हो सके तो घर पे ट्रिमिंग करने की कोशिश करो,
ठीक है। और क्योंकि पार्लर वगैरह का आपको पता ही है जैसे कितने केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं हर चीज़ में, सो आप ट्रिमिंग वगैरह जो घर पे करने की कोशिश करो जितना हो सके। गाइस सेकंड वन इज़ आप अपने बालों को धूप से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना। एंड जब भी बाहर जाओ कोई भी हेयर सीरम अप्लाई करना मस्ट है, बिकॉज जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ सनस्क्रीन आपके फेस को प्रोटेक्ट करती है, इन द सेम वे हेयर सीरम अप्लाई करोगे सो वो बाहर जाते जब आप बाहर जाओगे सो आपकी बालों को सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्रोटेक्ट करेगी ताकि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो गाइज द थर्ड वन इज लाइक वीक में बालों को वॉश करने से पहले इट्स मस्ट टू योर हेयर विद लाइक कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बताया भी हुआ है बहुत से ऑयल्स को डिल्यूट करके आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। सो ऑयलिंग मस्ट है, आपको वीक में कम से कम 2 बार ऑयलिंग ज़रूर से करनी चाहिए ताकि आपके बाल जो है उनको अच्छे से प्रोटीन भी मिलेगा, नरिशमेंट भी मिलेगा और स्प्लिट एंड्स जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। That's it for today. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। सो लाइक ये आप ट्राई करोगे सो आई एम लाइक आई कैन अश्योर यू 110% आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो अगर आपको भी स्प्लिट एंड्स जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो रखी है सो डू ट्राई इट आउट एंड मुझे ज़रूर से अपने रिजल्ट बताइएगा। पक्का से आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए एंड ऑल्सो डू प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन। ओके देन बाय बाय एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।